देखें, ये स्टेप्स जो कर रहे हैं ठीक है कर रहे हैं। एक मेरी एक राय है पीटीआई की हुकूमत के लिए भी कि आप सब चीजों को कम कर रहे हैं, आप जरा ब्यूरोक्रेसी पे भी नजर डालें। उनके सर, जो ले ली ना उनसे गाड़ी लेनी, तो अभी तो आवाजें निकल रही है ना, नहीं सिर्फ उनसे गाड़ियां नहीं, आप गाड़ियां ले उनके रहे हैं, अखराजात दे रहे हैं, नौकर कम कर रहे हैं। आप उनकी रिटायरमेंट, उनको कितने बड़े प्लॉट दे रहे हैं, वो प्लॉट का साइज छोटा करें, उनको ठीक दीगर चीजें दे रहे हैं, वो सहूलियात कम करें, उनकी सीसी कम करें गाड़ियों की, उनकी है, दीगर चीजें आप कम करेंगे, फिर आपको अंदाजा होगा कि आप कहां जा रहे हैं। ठीक पूरे है, मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को आपको करना पड़ेगा, आपको जुडिशरी को आप करना चाह रहे हैं पड़ेगा। कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत और उनके इत्तेहादी मैदान जंग में उतरे और हर तरफ जंग का ऐलान कर दे, आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त हो तो बेहतर। देखें बात आती है तहरीके, वो तहरीक है, वो मूवमेंट है इंसाफ की, वो पार्टी नहीं है, आप उसको एज अ पार्टी कैसे ले रहे हैं? ठीक नहीं, है पार्टी सियासी नहीं, पार्टी तो मकसद है। मकसद देखें, गवर्नमेंट में आप आए एज अ पार्टी, आपने इलेक्शन लड़ा तो आप पार्टी कहलाएंगे, बिल्कुल। लेकिन जो स्टार्टिंग उन्होंने की थी तहरीक इंसाफ के नाम से, इंसाफ की मूवमेंट लाए थे, जैसे महाजर कौमी मूवमेंट आई थी एक लिसानियत के साथ, वो अपने हुकूक के लिए आए थे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चीजें जब चलती हैं तो आप इंसाफ तो आपको फिर देना पड़ेगा, फिर आपको यहां तक तो नहीं रुकेंगे ना। जब तक आप ब्यूरोक्रेसी के गिरेबान पे हाथ नहीं डालेंगे, मुल्क ठीक नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। ब्यूरोक्रेसी को ठीक करें।